अलग तरीके से जो हम बैठने का आता है दोस्तों, जो हमारे बैठने का आता है उसका कवर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि मेला भी हो जाता है और इसके अंदर फोम आता है तो हम इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका कवर कैसे बनाएं? आप किसी का भी कवर बना सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं नाप लेना बताऊंगा, उसके बाद में मैं कपड़ा लेके कटिंग करके और फिर ये साइड में जो किनार आती है ये जित आपका चाहे कितना भी मोटा हो साइज हो आप उसकी स्टिचिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं इसका नाप ले लेता हूँ। तो दोस्तों नाप कैसे लेना है यहाँ से देख लेंगे, पहले तो हम लंबाई में ले लेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर आ रहा है, ये 19.5 इंची आ रहा है। यदि हम इसको, ये थोड़ा लूज हो गया है, नहीं तो ये 19 ही था। तो दोस्तों मैं इसको रखूँगा 19 इंची, ठीक। और इसकी चौड़ाई रखूँगा, मैं चौड़ाई रखूँगा इसकी 13 इंची। आप ना तो टाइट लेना ना ढीला लेना, इस तरीके से इसको लेना है। यहाँ से मैं 13 इंची ले रहा हूँ और लंबाई में मैं दोस्तों ये फैल चुका है तो मैं इसको 19 इंची ले लूँगा ताकि ये अच्छे से टाइट हो और बिल्कुल सही हो। तो इसकी लंबाई आई है 19 इंची और चौड़ाई आई है 13 इंची। तो दोस्तों करना क्या होगा कि लंबाई में हमें 1 इंची प्लस करना होगा और चौड़ाई में हमें 1 इंची प्लस करना होगा। तो दोस्तों ये कपड़ा है, ये डबल कपड़ा है, तो लंबाई में हम ले लेंगे 20 इंची। ये मैंने 20 इंची पर निशान लगा दिया है और चौड़ाई में हम ले लेंगे 14 इंची। तो हम यहाँ से 14 इंची ये ले लेंगे इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ से सीधा हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट कर लेते हैं और ये हमारा 14 इंची का है, इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हल्का फुल्का, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये हमने इसको सीधा कर लिया है। तो दोस्तों लंबाई हमारी 19 थी तो मैंने इसको 20 इंची लिया है और चौड़ाई दोस्तों 19 इंची थी, यानी कि चौड़ाई 13 इंची थी तो मैंने 14 इंची लिया है, यानी कि 1 इंची एक्स्ट्रा लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम साइड में जो ये कितनी मोटी लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इसको रख लेंगे और रखने के बाद में इसको नाप के देखेंगे। तो दोस्तों ये लगभग आ रहा है 3 इंची आ रहा है, कितना आ रहा है 3 इंची आ रहा है। तो दोस्तों आप इसकी 3 इंची की पट्टी काट लेना इस तरीके से, 3 3 इंची की पट्टी काट लेना। तो दोस्तों मेरे पास ये बचे हुए कपड़े थे तो मैं इसकी ये पट्टियाँ काट लिया हूँ। तो चलते हैं मशीन पर किस तरीके से बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमने ये 3 इंची की पट्टियाँ काटी थी, जो हमने 3 इंची की पट्टियाँ काटी थी ये इसको जोड़ना है। तो दोस्तों देखो जोड़ना कैसे हैं, किसी हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखे और सीधी सिलाई लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर ये ले लेंगे दूसरी पट्टी, ये भी हम इस तरीके से इसकी सिलाई कर देंगे और जितनी भी हमारी पट्टियाँ हैं ना दोस्तों, आप चाहे तो उसको चारों तरफ नाप के देख लेना कि हमारी कितनी पट्टी चाहिएगी, और नहीं तो आप जब बनाएंगे तो एक्स्ट्रा आएंगी तो आप काट सकते हैं उसको। तो मैं जो भी पट्टियाँ हैं, ये 4 5 पट्टियाँ काटी हैं जो मैं इसको यहाँ पर
लंबाई में इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेता हूँ। मैंने ये सिलाई लगा ली है, उसके बाद में क्या करना है देखो मैं आपको बताऊंगा कि ये दोस्तों हमारी जो हमने काटा था वो हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम बोंट की सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर हम बोंट की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। फिर इसको हम यहाँ से इस तरीके से घुमा लेंगे और यहाँ पर हम फिर यहाँ से बोंट की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। फिर दूसरी साइड हम इसको इस तरीके से घुमा लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम बोंट की सिलाई लगा देंगे। घुमा लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी हम इस तरीके से बोंट की सिलाई लगा देंगे और यहाँ तक लगा देंगे। और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, सीधे तक सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ से हमने ये कटिंग कर लिया है। तो देखो दोस्तों ये इस तरीके से ये बन जाता है, लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से बराबर में रखेंगे। बराबर में रखने के बाद में इसको यहाँ से मोड़ेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे। नहीं तो आप ऐसा करना दोस्तों, यहाँ पर आप इसकी जो हमारी सिलाई आ रही है ना वहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देना। जो हमारी ये सिलाई आ रही है ना उस सिलाई पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देना। सिलाई लगाने के बाद में इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। ठीक, ये हमारी इस तरीके से ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये हमारा पार्ट है तो यहाँ से इसका सेंटर ले लेंगे, एक सेंटर ये आएगा इसका, तो एक कट यहाँ कर लेते हैं इस तरीके से और एक कट हम यहाँ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, और एक कट हमारा ये है सेंटर का और एक सेंटर का ये है। ठीक, तो अब हम इसकी जुड़ाई करेंगे। तो जुड़ाई कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से रख लेंगे। ठीक, इसको सीधा रख लेंगे, उसके बाद में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ से भी हम नाप के देख लेंगे बराबर में है कि नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर बराबर में आ जाएगा। यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम मोंट की सिलाई लगा देंगे। फिर
फिर इसको इस तरीके से घुमा लेंगे और यहाँ पर हम बोंड की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। फिर ये हमारा कोना आ गया है, फिर हम इसको इस तरीके से घुमा लेंगे और यहाँ पर हम ऊंट की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये सिलाई लगा देंगे और इसके बाद में हम यहाँ से भी इसको यहाँ से थोड़ी दूरी पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, और बाकी के कपड़े को हम खुला रखेंगे एक साइड से यहाँ से। ठीक, तो ये हमने इसको खुला रख लिया है। हल्का सा हम इस साइड से भी यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेते हैं ताकि हमारे कोने हैं वो अच्छे से बन सके। तो यहाँ से भी हम थोड़ी सी सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हमने इसकी सिलाई लगा ली है और अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करके और जो हमारा वो बैठने का तकिया था, आप क्या बोलते हैं उसको, आप कमेंट में लिखना उसको क्या बोलते हैं। और अब इसमें डालते हैं और फिर इसकी पूरी नीचे से यानी यहाँ से जो खुला मुंह है उसकी तुरपाई करेंगे और फिर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से इस तकिए को डाल लिया है अंदर से और ये हमारा इस तरीके से आएगा। ये बहुत ही शानदार बना है इस तरीके से, इस साइड से भी, इस साइड से भी। और दोस्तों, ये खुला है तो हम इसको यहाँ से सी लेंगे, इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ के और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों बनाने का। तो ये हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करना।